अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष डिप्टी सिंह वाल्मीकि के नेतृत्व में सभी सफाई मजदूर महिला पुरुष नगर पालिका परिसर में एकत्रित हुए। बता दें, इस दौरान पालिका से जुलूस निकाला गया, जो स्टेट बैंक चौराहा, बड़ा बाजार, कटरा बाजार होते हुए तहसील परिसर पहुंचा, जहां पर संघ के पदाधिकारियों ने SDM एकता सिंह को ज्ञापन सौंपा और सफाई मजदूर संघ के नेताओं का आरोप है कि अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार ने उनके कर्मचारियों को अपमानित किया है। EO ने सफाई नायकों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनको अपमानित किया और कुर्सियों पर बैठने से रोक दिया। बता दें कि आरोप है कि उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तुम लोग अपनी औकात में रहो, जिससे संघ में रोष व्याप्त है। संघ द्वारा अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर SDM एकता सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। DG महाजन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।